नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 24 इंच प्लाई का बड़ा गुनिया बनाकर आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके से। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। तो जो सबसे पहला जो काम होता है, ये जो आप हार्डवुड देख रहे हैं शीशम की लकड़ी है, और साथ में ये जो प्लाई है हमारे पास 8 mm प्लाई, जिसका जो साइज़ है वो 19.5 x 24.5 इंच है इसकी लंबाई और चौड़ाई। और ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं शीशम की हार्डवुड लकड़ी है, तो इसका जो बेस है वो हम इस लकड़ी का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मशीन के ऊपर इसको रंधा लगा करके इसे गुनिये में करेंगे। ज़्यादातर कारपेंटर भाई क्या करते हैं कि जो गुनिया का बेस बनाते हैं वो प्लाई का ही बना देते हैं दोनों साइड पे प्लाई लगा करके, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करता है वो गुनिया। तो ये जो हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं, ये काफ़ी समय तक चलने वाला गुनिया होगा और काफ़ी परफेक्ट गुनिया होगा ये। तो ये हमने इसका जो साइज़ है वो 1 x 1.5 इंच इसका कर लिया है। ये देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से 1.5 इंच और दूसरी तरफ से हमने इसे 1 इंच कर लिया है। तो ये जो 1 इंच वाली साइड है, इसको हम जितनी प्लाई की मोटाई है 8 mm, उतनी हम इसके अंदर झरी बनाएंगे। तो झरी बनाने के लिए जो मार्किंग गेज है उसकी मदद से हम जितनी प्लाई की मोटाई है उतनी हम इसे मार्क कर लेंगे, और आधा इसकी जो झरी है वो हम गहरी रखेंगे। तो मशीन के ऊपर ही हम इसकी जो झरी है वो बनाएंगे। ये कटर हमने सेट कर लिया है इसकी झरी बनाने के लिए। ये जो आपने झरी बनानी है, जितनी प्लाई की मोटाई है बिल्कुल परफेक्ट आपने उतना ही इसको झरी लगाना है। लकड़ी के अंदर ये जो झरी बनाई है इसके अंदर प्लाई बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए या फिर ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही तरीके से इसकी फिटिंग होनी चाहिए प्लाई की इसके अंदर। तो ये जो काम हो चुका है झरी वाला, तभी हम आपको प्लाई इसके अंदर फिट करके दिखा देते हैं। तो अभी आप ये देख लीजिए कि इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से हमने इसकी की है। ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है और बिल्कुल भी ये लूज़ नहीं है, बिल्कुल इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरीके से आपने इसकी झरी बनानी है अगर आप अच्छा गुनिया बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा जो प्लाई का जो साइज़ है 19.5 इंच है, तो हम जो ये बेस हमने तैयार किया है जरी वाला, इसको हम 19 इंच रखेंगे। प्लाई से हम इसको 1/2 इंच छोटा रखेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कर लेने के बाद में ये जो प्लाई है इसके अंदर हम इसे फिटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसकी फिटिंग करनी है। ये जो प्लाई हम आपको पहले दिखा रहे हैं, इसको हमने बिल्कुल भी किसी साइड से हमने इसको गुनिया नहीं किया है। तो अभी ये जो हमने ये जो बेस लगाया है, इसको हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको शॉर्ट रखना है। प्लाई दिखनी चाहिए जिस तरह से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो अभी ये काम कर लेने के बाद में हम यहाँ पे 3 स्क्रू लगा करके इसे पक्का करेंगे। आपने इसे फेविकोल लगाकर बिल्कुल भी पक्का नहीं करना है, कोई भी ग्लू की मदद से इसे पक्का नहीं करना है। आपने इसे केवल पेचों की मदद से ही इसे पक्का करना है। 3 पेच लगा दीजिए, 1.5 इंच वाले या फिर 1 इंच वाले जो पेच होते हैं उनकी मदद से आप इसे पक्का कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फेविकोल या अर्लाडाइट या फेविक्विक इसके बिल्कुल भी नज़दीक न जाने दें, क्योंकि ये पक्का नहीं करना है आपने। आपने केवल इन्हें पेचों पर ही इसे पक्का करना है। तो ये 3 स्क्रू लगाने के बाद में ये जो प्लाई है ये हमने इसके बेस के अंदर फिट कर लिया है। इसे बेस के अंदर प्लाई को फिटिंग कर लेने के बाद में अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस साइड से हमने इसको गुनिया में रखना है, और ये जो दूसरी वाली साइड है इसको हम इसकी टेपर कटिंग करेंगे। टेपर कटिंग करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो सिरा है, हमने दोनों तरफ से इसको 3-3 इंच छोड़ करके इसकी जो कटिंग है वो हम टेपर करेंगे। ये टेपर इसीलिए करनी ज़रूरी होती है कि जब प्लाई हम कटिंग करते हैं गुनिये के अंदर, तो ये जो टेपर कटिंग होती है उसकी जो बैलेंस है वो अच्छा बना रहता है। तो ये जो बाकी का पीस बच चुका है इसका अभी हम गुनिया बनाकर दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको। तो अभी इसकी जो टेपर कटिंग कर ली है, तो अंदर से भी हम इसकी जो कटिंग है वो करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने 3 साइड से इसको 3-3 इंच छोड़ना है। अभी हम आपको कटिंग करके दिखा देते हैं। इसको त्रिकोण आकार से इसके अंदर से हम कटिंग करेंगे। निशान हमने पहले से ही लगा लिए हैं और अभी हम आपको कटिंग करके दिखा देते हैं।
कटिंग करने के लिए ये जो कटर होता है आपने इसको लूज़ करना है इस तरह से। जब आप अंदर से किसी प्लाई को कटिंग करते हैं, अंदर जो आप खांचा वगैरह बनाते हैं, तो कटर को आप लूज़ कर लीजिए। जब आप फ्री कर लेते हैं कटर को, तो आप आसानी से किसी भी प्लाई को अंदर से कटिंग कर सकते हैं, जिससे क्या है कि कोई रिस्क नहीं रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हम कटर को लूज़ करके अंदर वाली जो साइड है उसकी हम जो त्रिकोण आकार की कटिंग है वो कर रहे हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे आगे कि इसकी जो अंदर से हम कटिंग क्यों कर रहे हैं, इसकी कटिंग करनी क्यों ज़रूरी होती है, ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं आगे। ये जो तरीका हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला ये तरीका है। ये जो गुनिया बनेगा बिल्कुल परफेक्ट गुनिया बनेगा। तो ये कटिंग हो चुकी है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी हमने अंदर से जो कटिंग है वो क्यों की है। इससे कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि जो बैलेंस होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है और ग्रिप भी बड़ी अच्छी बनती है गुनिया की जब आप कोई भी कटिंग करते हैं। तो ये काम कर लेने के बाद में गुनिया लगभग तैयार हो चुका है। तो अभी हम गुनिया की चेकिंग करेंगे। गुनिया चेक करने के लिए जो टक्कर एक जो जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए प्लाई की। कोई भी प्लाई के ऊपर अगर आप टेस्ट कर रहे हैं इसे, तो एक धार इसकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो आप इस तरह से निशान लगा करके दूसरी साइड से गुनिया को पलट करके आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल दो सूत ढाई सूत का फ़र्क है। तो उतना हम इसको रंदा लगा करके इसको बराबर करेंगे। ये जो तरीका हम आपको दिखा रहे हैं गुनिया बनाने का, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कारपेंटर भाई यही गलती करते हैं कि गुनिया बनाने के लिए ये जो बेस होता है वो प्लाई का ही तैयार करते हैं और दोनों तरफ अलग अलग टुकड़े लगाते हैं, जिससे क्या है कि जो गुनिया के अंदर फ़र्क होता है वो नहीं निकलता है। और काफ़ी जब आप कभी बार कटिंग करते हैं प्लाई के, तो उसके अंदर भी फ़र्क रहता है। तो यही कारण होता है कि जब आप दोनों तरफ से प्लाई के टुकड़े अलग अलग लगाते हैं बेस के लिए, तो वो सही तरीके से गुनिया में नहीं कर पाता है। तो ये जो तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप गुनिया बनाएंगे तो बिल्कुल 100% काम करेगा ये तरीका। तो इसी तरीके से आप गुनिया ज़रूर बना करके देखें। 24 इंच का गुनिया तो हर एक मिस्त्री के पास होना बहुत ज़रूरी है, तो ये गुनिया सही तरीके से भी होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि हमने इस तरह से निशान लगा करके दोनों तरफ से, जितनी बार भी आप चेक करें आपने नया निशान लगाना है, फिर ही चेक करना है, एक निशान के ऊपर से आपने नहीं चेक करना है। तो ये जो बेस है, इस बेस के ऊपर आपने बिल्कुल भी कोई फेविकोल वगैरह कुछ भी नहीं लगने देना है, कोई भी गोंद वगैरह, क्योंकि कल को अगर ये ख़राब भी होती है गुनिया, तो इसका जो पेज वगैरह लगाए हमने स्क्रू वगैरह खोल करके, इसे आप दोबारा से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बेस है ये आपका हमेशा के लिए काम करेगा। तो ये जो गुनिया है वो तैयार हो चुका है। इस गुनिया से आप किसी भी प्लाई की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।